Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरे वीडियोस को enjoy कर रहे होंगे. So आज मेरा कुछ unique खाने का दिल चाह रहा था, तो मैं सोचा कि क्यों ना कल जो तंदूरी चिकन बना था उससे कुछ नया क्रिएट किया जाए. तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आइडिया तो पिज्ज़ा फ्राइज का आया. सो मैं सोचा कि क्यों ना वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी इस ईजी सी रेसिपी को मैं शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी इस इजी सी रेसिपी का पता चल सके. तो चलें अब हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं. इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है 2 से 3 कोई आलू रखे हुए थे, तो मैंने उन्हें कट कर लिया है. और यहाँ तंदूरी चिकन तो आप लोगों को बता ही दिया है कि कल हमारे घर बना था, तो मैंने आज इसी को रीयूज करना है और आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी निकालनी है. और यहाँ हमें चीज़ चाहिए होगी और सॉसेस में तो आप लोग घर में ये सारे सॉस मौजूद होंगे. मायोनीस, केचप थोड़ा सा हम डालेंगे और चिली सॉस. सो चले. और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ कि हम जब इनको फ्राई करेंगे फ्राइज को, सो हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर लगाएंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे. और यहाँ मैं आप लोग के लिए एक नई ट्रिक भी लेकर आई हूँ. सो यहाँ मैंने एक शॉपर को इस कप के अंदर चला लिया है और इसके अंदर हम अपने सारे सॉसेस को ऐड करेंगे. बहुत ही इजीली हमारी अच्छी सी गार्निशिंग हो जाएगी. सो चलें सबसे पहले हम इसके अंदर टोमेटो केचप ऐड कर देंगे. अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली सॉस ऐड कर देंगे. और चिली सॉस ऐड करने के बाद यहाँ मायनीज ऐड करेंगे. और मायनीज हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया है. मायनीज मैंने बाकी चीज़ों से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है. और अब हम इसको मिक्स कर देंगे. डीपली इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे. यहाँ मेरा सॉस मिक्स हो चुका था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दी है इसके टेस्ट के लिए. यहाँ मैंने सब सॉसेस को, चिली फ्लेक्स को, सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है. और ये मेरा सॉस रेडी है, जिससे हमें गार्निशिंग बहुत अच्छी भी होगी और बहुत इजीली हो भी जाएगी. और अब हम इसको थैली को कुछ इस तरह से शॉपर को हम उठा लेंगे और इसका एक कॉर्नर बना लेंगे और फिर इसको ऊपर से पैक कर देंगे. आप किसी भी तरह से पैक करें. और ये कुछ इस तरह से हमारी आइसिंग रेडी हो जाएगी. खाना ये बहुत इजी और बहुत ही मज़े का तरीका. मुझे कमेंट में बताएं कैसा लगा आप लोगों को ये आइडिया. अब यहाँ मैंने चिप्स को कॉर्नफ्लोर लगा लिया है, तो अब हम इसको चलते हैं फ्राई करने की तरफ. और ये काम मेरी मम्मा कर रही, क्योंकि तेल का काम कोई भी बच्चे को नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरी मम्मा से मैंने हेल्प ली है इसके अंदर फ्राइज को डलवाने में. यहाँ हमारे चिप्स फ्राई हो रहे हैं और अभी कुछ इस तरह के हैं. यहाँ हमारे क्रंची से फ्राइज तो रेडी हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर करने वाले हैं गार्निशिंग. तो चलें अब हम चलते हैं गार्निशिंग की तरफ. हम इसको फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा कुछ इस तरह से मिक्स कर लेंगे. मिक्स मिक्स मिक्स. और ये हमारे फ्राइज तो मिक्स हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं सॉसेस. सॉस जो हमने बनाया था उसका हमने टॉप कट कर लिया है और अब हम इसे जिस तरह से गार्निशिंग मेरी मम्मा कर रही हैं, आप लोग भी उसी तरह से करें. ये थोड़े से सॉसी अच्छे लगते हैं, तो हमने इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा सॉस ऐड कर लिया और बहुत ही मज़ेदार. और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा चिकन ऐड करेंगे, तंदूरी चिकन. और ये कुछ इस तरह से पूरे में हम अच्छे से फैला भी देंगे. जब ये चीज़ें स्प्रेड अच्छे से होंगी और हर जगह होंगी, तो ये बनेंगे भी बहुत अच्छे. और अब हम इसके अंदर ज़्यादा सी चीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसको चीज़ी और मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज बनाना है, सॉरी पिज़्ज़ा फ्राइज. यहाँ चीज़ की भरपूर बारिश करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ है. और अब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें आ जाता है हमारे पास शिमला मिर्च और टोमेटो. कुछ इस तरह से इसकी गार्निशिंग करेंगे. जितनी अच्छी गार्निशिंग होगी उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन हमारी लगेगी.
ढक्कन ढककर हम इसको रख देंगे और इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि हमारी चीज मेल्ट हो जाए। देखें हमारे चीजी यमी और मजेदार से पिज्जा फ्राइज रेडी हैं। तड़ा, दिस इज रेडी। और बस आप लोग चीज की लहरें देखें कि कहां कहां तक पहुंच रही हैं। इसको देख के तो मजा ही आ रहा है। अब मुझे कमेंट में बताएं कि कौन कौन बच्चा इस रेसिपी को ट्राई करने वाला है, क्योंकि ये तो बहुत इजी रेसिपी है और लड़कियां तो वैसे ही शौकीन होती है खाने बनाने की, जैसे कि मैं भी हूँ। तो चले भैया, अब आप मेरी इस यम्मी सी रेसिपी को प्रमोट करें लोगों के सामने और बताएं कैसे बनी है ये, और बिल्कुल रियल बताइएगा आप। ये आप लोग देख सकते हैं, हया ने भी लिए तो कितनी सारी चीज और सारी फीलिंग्स आई हैं। बहुत अमेजिंग है ये। हया का एक्सप्रेशन तो बहुत ही अच्छा है। अब आप लोग भी कमेंट में बताएं अब आप लोगों का एक्सप्रेशन कैसा आता है, ये तो मुझे कमेंट पढ़कर ही पता चलेगा। मजा आ गया सिखाकर, तो बाहर से भी ज्यादा टेस्टी यम्मी और ये बहुत ही अच्छे बने, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स टुन भी नहीं हुए और हम लोगों ने घर पर ही बनाए थे, सो बहुत ही क्रिस्पी बने थे। आप लोगों को तो बहुत अच्छी रेसिपी मिल गई है, आप लोग जल्दी से इसे डाउनलोड कर लें, कहीं गुम ना हो जाए। तो चले अब हम, आई होप इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।